my side that all our issues are going to be the part of your September test. You are being using for the coverage of syllabus. Very easy, coming ratios are very easy. 1, 1, 2, 2 examples. And hereby, I am going to discuss all the 4 ratios which are being covered under your second category, that is solvency ratio. Earlier, I told you only the solvency and the liquidity ratios are the part of your syllabus. But now, profitability ratios as well as activity ratios do come in your paper. Right? So, let's start with solvency ratios. Solvency ratios are being calculated to judge the ability of the company to pay off its long-term debt. सॉल्वेंसी के बारे में हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड है. मींस कितनी जल्दी और टाइम पे क्या आप अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर लेते हैं. इफ यस देन सॉल्वेंसी पोजीशन इज सेट टू बी गुड और सेट टू बी सेटिस्फैक्टरी. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज डेट इक्विटी रेशियो. समटाइम्स इन द पेपर ही मे राइट इट D/E. सो डी कैपिटल डी मीन्स डेट, कैपिटल ई मीन्स इक्विटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज इट्स फॉर्मूला. जो नाम है रेशियो का वही फॉर्मूला के कंटेंट है. डेट को न्यूमिरेटर लिखिए और इक्विटी से डिवाइड करिए. एंड सेकेंडली इट्स रूल ऑफ थंब इज सेम एज ऑफ योर करंट रेशियो. वी ऑलवेज अज्यूम दैट डेट शुड बी डबल देन इक्विटी, देन वी विल बी कॉलिंग दैट द सॉल्वेंसी पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी एनफ. ठीक है, क्यों ऐसा होगा दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट हियर स्टूडेंट्स. डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. अगर क्वेश्चन में कहीं लॉन्ग टर्म प्रोविजन है यू हैव टू ऐड बैक. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपकी दो ही चीजें आती हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. एंड लॉन्ग टर्म लोन मतलब बैंक से लिया गया लॉन्ग टर्म लोन. सो विद द हेल्प ऑफ दीज मैक्सिमम 3 चीजों को ऐड करेंगे तो डेट आ जाएंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी हियर. इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व. अगला मैं प्लस और माइनस लिखूंगी पी एंड एल. प्लस और माइनस पी एंड एल मैंने क्यों लिखा, बिकॉज अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, अगर लॉस है तो माइनस होगा. ठीक है, सो आई पुट द बोथ साइंस हियर दैट इज प्लस माइनस. राइट, नाउ अगला नाम देखो, टोटल एसेट्स टू डेट. नाम से ही पता चलता है रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा. टोटल एसेट्स को न्यूमिरेटर लिखो और डेट को क्या करो, डिनोमिनेटर लिखो. जो पहली रेशियो में न्यूमिरेटर था वो सेकेंड रेशियो में डिनोमिनेटर बन रहा है. और इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है. It's going to be expressed in the pure form that can be 3:1, that can be 4:1, 7:1. It depends. Jaise-jaise ratio ki category we will pick, we will be discussing the significance of ratio. Why do we calculate? Right? Abhi sirf mere ko formulas aapko yaad karwane hain. To iska koi rule of thumb nahi hai, but it is to be expressed in the pure form. Very easy to remember. What is the meaning of total assets? It will be comprising all the assets, your non-current assets as well as your current assets. But when we will be taking non-current assets, that we will be taking after depreciation. Like agar plant and machinery ke upar depreciation hai, to I have to deduct. I have to take net non-current asset. Land and building hai, furniture and fixture hai, current asset mein cash hai, bank hai, debtor hai, BR hai, all the assets we have to add up. Right? Why this ratio we calculate, that we will discuss when its turn will come. Then proprietary. Hamesha main apne bachcho ko yaad karne ke liye bolti, who is the real proprietor of a public limited company? प्रोप्राइटर वर्ड से प्रोप्राइटरी बना और फॉर्मूला याद करने के लिए भी जरूरी है इसका मीनिंग. हु इज द रियल प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, हु इज द रियल प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी. कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रोप्राइटर कौन है, ओनर कौन है. यस, शेयर होल्डर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ठीक लिखा मैंने ऊपर न्यूमिरेटर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. जो सेकेंड रेशियो में न्यूमिरेटर है वो थर्ड रेशियो में डिनोमिनेटर है. थोड़ा सा बता देती हूँ, ये रेशियो इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स खरीदने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगाया. टू व्हाट एक्सटेंट द प्रोप्राइटर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू बाय द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज बीइंग नेम्ड एज प्रोप्राइटरी रेशियो. हु आर द रियल प्रोप्राइटर्स ऑफ अ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, और शेयर होल्डर्स. सो दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी ओनली. और इक्विटी का दूसरा नाम अगेन एंड अगेन वी विल बी यूजिंग इन दिस कैटेगरी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स. और बहुत बार मैं इसे SF बोला करूंगी, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, SF, शेयर होल्डर फंड्स. इक्विटी कैन ऑल्सो बी रिप्लेस विद दिस टर्म, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स. बिल्कुल हटके है अगली रेशियो और इसका आंसर भी कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं आना, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आना. दिस रेशियो इज ऑलवेज बींग एक्सप्रेस इन टाइम्स.
थ्री टाइम्स आंसर होगा, फोर टाइम्स होगा, कभी भी कोई बच्चा इस रेशियो को 3:1 नहीं बोलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम से क्या पता चलता है, कितना पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट डिबेंचर्स और लोन के इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा, आपका प्रॉफिट है 9 लाख और टोटल इंटरेस्ट आपको पूरे साल में पे करना है, मान लो आंसर आएगा 9 times, 9 गुना ज्यादा है आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। 8 गुना भी अगर ये डाउन हो जाएगा तो भी आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। हायर द रेशियो, बेटर विल बी द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो दिस रेशियो इज गोइंग टू टेल अस हाउ मेनी टाइम्स योर प्रॉफिट इज एबल टू कवर योर इंटरेस्ट। हर क्रेडिटर, हर लेंडर हमेशा इस चीज में क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, कंपनी का प्रॉफिट कितना है और उस प्रॉफिट में से क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। हैड द प्रॉफिट इज 50,000 एंड इंटरेस्ट इज 1 lakh, इंटरेस्ट तो ज्यादा है भाई प्रॉफिट से, रेशियो कितनी आई 0.5:1, इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। 1 रुपया इंटरेस्ट देना, कमा तो 50 पैसे रहे हो। सो लोअर द रेशियो, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी। हायर द रेशियो, दैट विल बी अ इंडिकेटर और गुड पैरामीटर और गुड इंडिकेटर टू जज द सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी। रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट में से कवर करना है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। बहुत बार इसे मैं क्वेश्चन में PBIT कहा करूंगी। पी का मतलब प्रॉफिट, बी का मतलब बिफोर, आई का मतलब इंटरेस्ट, टी का मतलब टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, एंड दैट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस वी कैलकुलेट ऑन लोन, वी कैलकुलेट ऑन बोरोइंग। क्वेश्चन में दे रखा है 10% डिबेंचर्स 10 लाख के, इस 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आप खुद निकालोगे, उसने नहीं निकाल के देना, बिकॉज इंटरेस्ट का मतलब ही क्या है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट और लोन के ऊपर इंटरेस्ट। सो 10 लाख का 10%, 1 lakh विल बी योर डिनोमिनेटर, राइट। क्वेश्चन में कभी वो आपको देगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने सब कुछ एड बैक करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, बहुत बार पेपर में पूछी है। सो हियर ऑल्सो ही कैन पुट इन योर MCQ, ही कैन फ्रेम डिफरेंट ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स, फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट इट ओरिजिनली, देन ओनली यू विल बी एबल टू टिक कि कौन सा आंसर ठीक है। सो फॉर्मूलाज आर वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट्स नेम दे आर हेल्पिंग अस टू फ्रेम द फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट विद डेट इक्विटी रेशियो। सी debt equity ratio under the category solvency ratios, formula bolo, debt means long term debt, long term debt ko elaborate karo, long term loans plus long term borrowings plus long term provision। आम तौर पे बच्चे provision बोलना भूल जाते हैं और जब answer निकालते हैं तो भी add नहीं करते, तो it is wrong, I am repeating its formula, this is equal to debt over equity, I'm elaborating it here, where debt is equal to long term debt। अब long term debt अपने आप में एक wider term है, which includes what? बोलो, loan plus debentures। Bonds बहुत कम होते हैं, अगर है तो वो भी आपकी long term borrowing का part। Long term debt अपने आप में loan plus debenture plus bonds, आगे plus LTP, that is long term provisions। What is the meaning of equity, students? Equity doesn't means only equity share capital, it includes preference share capital as well, क्योंकि इसका दूसरा नाम shareholder funds है। तो shareholders तो मेरे पास दो तरह के होते हैं, undoubtedly shareholders funds। So this is going to be equal to, बोलो, equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus। Reserve is always to be added, reserve can be general reserve, reserve can be capital reserve, and if the profit is there you will be adding up, if the loss is there you will be deducting it, because they are the actual risk bearers। Agar profit inki capital mein add hota hai to loss we will be deducting, I always write it like this way, plus minus profit or loss। So it is the second time I am elaborating the content of the formula, that is what is the meaning of debt and what is the meaning of equity। Okay, now we have to read why this ratio is being calculated।
क्यों जरूरत पड़ती है हमें इस रेशियो? आप मेरे को कोई लॉजिक बता सकते हो डेट तक ये क्यों ज्यादा होने चाहिए, मतलब सिर पे कर्जे ज्यादा होने चाहिए इक्विटी के कंपैरिजन? व्हाई शुड इट बी लाइक दिस? यस, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कैपिटल है, हमने इसका स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब बनाया 2:1. एनीबॉडी, व्हाई डेट शुड बी डबल देन इक्विटी? यू नो डेट को मैं हमेशा एक्सटर्नल फंड्स में कहूंगी, एक्सटर्नल बाहर वाले लोगों का पैसा लगा, और इक्विटी को मैं इंटरनल फंड बोलूंगी बिकॉज इट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द एक्चुअल ओनर्स, तो उसे मैं इंटरनल फंड्स कहती हूँ, डिनोमिनेटर को इसे मैं एक्सटर्नल फंड्स कहती हूँ. बाहर वाले लोगों का पैसा ज्यादा लगना चाहिए कि इंटरनल ओनर्स का लगना चाहिए? यू टेल व्हाई, व्हाई, व्हाई दिस आई एम आस्किंग, व्हाई? दोबारा बोलो. नहीं, दिस इज नॉट द डायरेक्ट लॉजिक. बच्चे ध्यान से सुनो, ये आपको पता होना चाहिए. Why debt should be double than equity? Because debt के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, मतलब टैक्स की पेमेंट करने से पहले उसे लेस कर दिया जाएगा. जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे इनकम में से माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है. मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी, अगर हम डेट रेस करते हैं तो टैक्स कितना पे करेंगे, अगर डेट नहीं रेस करते तो टैक्स कितना पे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दोनों हालातों में प्रॉफिट 5-5 लाख है, ठीक है. यहाँ इस केस में मैं अजम्पशन लूंगी कि मैंने डिबेंचर रेस करे हैं, इस केस में मैं अजम्पशन लूंगी कि मैंने डिबेंचर रेस नहीं करे. और मार्केट में कंपनीज के लिए टैक्स रेट 30% चल रहा है. यहाँ पे मैंने अजम्पशन ली 10 लाख के डिबेंचर रेस करे हैं और 10 लाख के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. तो दिस इज माई प्रॉफिट. अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, जो डिबेंचर होल्डर्स को आपने दे दिया है वो डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस होगा. सो 1 लाख आई विल बी डिडक्टिंग, 4 लाख बचा मेरे पास, 4 लाख के ऊपर कितना टैक्स पे करूंगी? 30%, 1,20,000. इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 280, ठीक है जी. अब यहां पे मैंने अजम्पशन लिया डिबेंचर रेस नहीं करे, मीन्स नो इंटरेस्ट यू आर पेइंग. 5 लाख का 5 लाख रहा, 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करोगे कितना? 1.5 लाख. प्रॉफिट कितना बचा? 1,50,000. क्या बताया मैंने? अब यहां पे अगर आपने 1 लाख रेस किया है डिबेंचर तो आप टैक्स पे कर रहे हो 1,20,000. यहाँ पे आपने डिबेंचर रेस नहीं किया तो आप गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स की सेविंग इधर है कि इधर है? वेयर इज द टैक्स सेविंग? तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स देने की बजाय वाई नॉट टू रेस द लोन? लोन का हमें फायदा होगा. इन व्हाट सेंस लोन का फायदा होगा? यू कैन यूज इट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस, यू कैन यूज इट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. वाई टू पे एक्स्ट्रा टू द गवर्नमेंट इफ आई कैन सेव इट? अगर मैं उसे सेव कर सकती हूँ टैक्स को, टैक्स को सेव करने के बहुत तरीके होते हैं. चेक चो, टैक्स चोरी करना पाप है या पाप या क्राइम, ठीक है. ऑलवेज वी कोट अ लाइन, टैक्स अवेशन इज नॉट अ क्राइम बट स्टीलिंग ऑफ टैक्स इज अ क्राइम, ठीक है. तो ये टैक्स बचाने का तरीका है भाई. ये तो मैंने लैक्स में एग्जाम्पल दी. फॉर एग्जाम्पल योर प्रॉफिट इज इन करोड़, तो हाउ मच टैक्स यू कैन सेव इफ यू आर रेजिंग डिबेंचर, राइट? तो वाई नॉट गो टू विद द डिबेंचर? So this is the meaning of this line. The interest paid on debt is a tax deductible expense. Tax ki payment karne se pehle yahan pe interest minus ho jayega. Theek hai, to jitna interest hoga utna aapko percentage wise tax ki kya hogi? Saving. So that's why it is a rule that you should raise debentures or long term debt double than what equity. Lekin agar 2.5 guna zyada ho gaya, 3 guna zyada ho gaya, you can't afford. Aap itna sara interest ki payment thodna afford karte ho. फिर तो आपके सिर के ऊपर कर्जे बढ़ते जाएंगे. लाइक फ्यू कंपनीज में से व्हाई नॉट इट इज 5 टाइम्स मोर देन इक्विटी. इट मींस कि आप तो फिर कर्जे में डूबे हुए हो. इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट इज व्हाट? 2:1. 2:1 से जिस कंपनी का भी स्टेटस डेट का इक्विटी के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, दैट कंपनी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड गुड सॉल्वेंसी वाइज, ठीक है. सो ऑलवेज द रूल हैज बीन मेड दैट द डेट कैन बी डबल देन इक्विटी, नथिंग शुड बी मोर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Now I wanted to tell you significance. Has he written significance? Yes. उससे पहले theory की एक line देखो. Page number 4.25 पे आओ सभी लोग.
पेज नंबर 4.25 मीनिंग देखो जी सारा ईच एंड एवरी लाइन वी विल रीड सो दैट वी कैन कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कैन मेक. डेट टू इक्विटी शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी. ठीक है जी. सो दिस इज अ रेशियो व्हिच इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट. और लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या, एक्सटर्नल इक्विटीज. मैंने भी तो बोला एक्सटर्नल फंड्स है एक्सटर्नल इक्विटीज. एंड इंटरनल इक्विटीज मीन्स शेयर होल्डर फंड्स. इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे. डेट कैन बी नेम्ड एज एक्सटर्नल इक्विटीज, इक्विटीज कैन बी नेम्ड एज इंटरनल इक्विटीज, और डेट कैन बी नेम्ड एज एक्सटर्नल फंड्स, और दिस कैन बी नेम्ड एज शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है. तो दीज आर द इंटरचेंजेबल वर्ड्स. इट इज कंप्यूटेड. ये रेशियो क्यों निकाली जाती है, टू जज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी. कंपनी कितनी सॉल्वेंट है अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट करने में. एक्सटर्नल इक्विटीज और एक्सटर्नल डेट्स आर द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज पेएबल टू द आउटसाइडर. ये वो पैसा है जो बाहर वाले लोगों से आपने कर्जे की फॉर्म में लिया था और उनको वापस भी करना. इसमें क्या क्या आएगा, मैं पहले लिख चुकी हूँ. अब वो लिख रहा है लॉन्ग टर्म बॉरविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. वट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बॉरविंग. लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. बाहर से आप क्या क्या कर्जा ले सकते हो, या तो बैंक से लोन ले सकते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, या आप डिवेंचर होल्डर से पैसा बोरो करते हो बॉन्ड्स की फॉर्म में या डिवेंचर्स की फॉर्म में. राइट. दे आर शोन एज दे आर द नॉन करंट लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न. आगे चलते हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्यों बनाया जाता है. प्रोविजन इज मेड टू मीट द लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमिंड बट इज प्रोवाइडेड बाई मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट. यू नो व्हाई द प्रोविजन आर बीइंग मेड. चलो पहले प्रोविजन की बात करते हैं. प्लस वन में आपको प्रोविजन एंड रिजर्व का एक चैप्टर करवाया हुआ. व्हाई द प्रोविजन आर बीइंग मेड एंड विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी वी फॉलो व्हाइल मेकिंग दीज प्रोविजन एंड रिजर्व. प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं भाई. लाइक आई एम मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट. टू मीट सम स्पेसिफिक लायबिलिटी अबाउट विच वी आर श्योर टू अकर. ठीक है. लाइक मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्योंकि पिछले कई सालों से मेरे पैसे मरते आ रहे हैं, तो इस साल मैंने पहले से प्रोविजन बना के रख लिया टू कवर दैट लॉस. व्हिच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वी फॉलो. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नेवर फॉर प्रॉफिट्स. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन काहे के लिए बनाए गए होंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन काहे के लिए बनाए गए होंगे. टू मीट सर्टेन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. लाइक डिबेंचर्स को एक साल के बाद पेमेंट करनी है. ठीक है. चार साल बीत गए हैं, पांच सालों के लिए उनसे पैसा बोरो किया था, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ही विल बी गिविंग अ स्पेसिफिक टर्म इन द क्वेश्चन एंड दैट यू विल बी एडिंग अप इन योर न्यूमरेटर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर लॉन्ग टर्म डेट. सिंस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे आर इंक्लूडेड. क्योंकि कहता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल इक्विटीज में क्या होंगे, एड होंगे. लॉन्ग टर्म बॉरविंग नीचे उसने लिखी दिया. लॉन्ग टर्म बॉरविंग वो होती हैं जो 12 महीने के बीच बीच पे होती हैं या ऑपरेटिंग साइकिल के बीच बीच पे होती हैं. ऑपरेटिंग साइकिल कैन इवन बी मोर देन 12 मंथ्स, उस दिन बताया हुआ है आपको. देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी एंड दीज आर बींग मेड टू रीपे द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच मे मेच्योर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. Have I told you? मैंने बताया हुआ ऑपरेटिंग साइकिल. टाइम पीरियड बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल द सेल ऑफ फाइनल गुड्स. रॉ मटेरियल की परचेज से लेके उस दिन से लेके जब तक वो सामान फाइनली मार्केट में बिक नहीं जाता, उसके बीच का जो टेन्योर होता है, दोनों डेट्स के बीच का टेन्योर, उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. समटाइम्स इट कैन बी 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स एंड समटाइम्स इट कैन बी इवन 1.5 ईयर. इट कैन बी 1 ईयर एंड 9 months इवन. ठीक है. तो ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी मोर देन 12 मंथ्स. ये वो डेफिनेशन है जो प्लस टू क्लास में ही हमने करी है. प्लस वन क्लास में हम हमेशा कहते थे करंट लाइबिलिटीज वो हैं जो 12 महीने के बीच पे हो जाती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, विच आर टू बी पेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एज वेल. ऑपरेटिंग साइकिल के बाद जो लाइबिलिटीज पे होंगी वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी. राइट. चलिए जी, फॉर्मूला लिखा है उसने, सब कुछ बता दिया मैंने आपको. रिजर्व एंड सरप्लस का मीनिंग बता दिया. देखो नीचे कंटेंट, सारा फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है. दो तरह से फॉर्मूला बनाया है. दूसरा जैसे क्वेश्चन में आएगा ऑल्टरनेटिव वे आई विल एक्सप्लेन टू यू आफ्टरवर्ड्स, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. जब तक क्वेश्चन ही ना करोगे इट इज ओनली अ कंफ्यूजन, बिग कंफ्यूजन फॉर यू.
नीचे देखो और क्या लिखा है, शुड इट बी हाई और इट शुड बी 2:1 ओनली, 2:1 उससे ज्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, जरा देखो क्या लिखा उसे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी पेज नंबर 4.27 वेरी फर्स्ट लाइन, इट इंक्लूड्स डिबेंचर बॉन्ड्स लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन पीडी, पीडी मींस पब्लिक डिपॉजिट्स, वो पैसा जो आप पब्लिक से बोरो करते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, मैंने नहीं लिखा पहले कहीं पे भी, सो पब्लिक डिपॉजिट्स व्हेनेवर इट इज अपीयरिंग इन द क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, दैट यू विल बी टेकिंग एज अ न्यूमरेटर एज वेल. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बार बार एक ही बात करे जा रहा है, यस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल्स देखना बच्चे, आजकल प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एंड कैशमेंट, इवन प्रोविजन फॉर वारंटीज ऑल्सो, आपने सुना होगा ये वॉशिंग मशीन हम घर में खरीद के लेके आए हैं, माइक्रोवेव इसकी 5 साल की वारंटी है कंप्रेसर की, ठीक है, या मोटर की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी, कंपनी ने अगर बोला 5 साल वारंटी है किसी मशीन की, 7 साल वारंटी है किसी कंपनी ने, 7 साल वारंटी दी किसी ने, 5 साल वारंटी दी इन्वर्टर की, बैटरी की 5 साल की वारंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी द कंपनीज मे क्रिएट, और वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, उस टाइम पीरियड के बीच बीच अगर उसकी मोटर खराब हो जाती है या तो कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगी अगर रिपेयर पॉसिबल है, या कंपनी मोटर चेंज करेगी फ्री में, दिस इज द मीनिंग ऑफ वारंटी, आमतौर पे ऐसा होता नहीं क्योंकि उनकी टेस्टिंग हुई होती है, बहुत कम केसेस ऐसे निकलते हैं कि वारंटी पीरियड में खराब हो जाए, और कंपनी ने अगर वारंटी दी है, हमारे पास वारंटी कार्ड है, हमारे पास बिल है, तो वी कैन अवेल दैट बेनिफिट, तो बिग कंपनीज क्या करेंगी, उसके लिए भी प्रोविजन बना के रखेंगी, प्रोविजन फॉर वारंटी, कभी भी किसी भी कस्टमर का परचेज किया हुआ सामान खराब हो सकता है तो हमें वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, उस लॉस को बेयर करने के लिए पहले से ही कौन सा प्रोविजन बना होगा, प्रोविजन फॉर वारंटीज, so that provision is also an example of your long term provision, आपको याद रखना है question में अगर आ जाए provision for warranty, so this is an example of your long term provision, then एक नाम उसने और लिखा provision for gratuity, gratuity is always being given those employees who get retirement from your concern, ठीक है, तो जो employees की retirement हो रही है, हमारे इंडिया में rule है जितने साल उन्होंने service करी, number of years served या नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 25 डेज सैलरी या 26 डेज है, 4 संडे बीच में से निकाल देते, जितने साल उसने सर्विस करी 25 दिन की सैलरी से उसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उतना उसको सर्विस का बेनिफिट मिलेगा, लमसम में एक अमाउंट मिलती है हर एम्प्लॉय को जिस कंपनी ने ग्रेच्युटी का प्रोविजन स्टार्ट किया होता है, क्यों है ऐसा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसने अपनी लाइफ के इतने साल हमारी कंपनी को दे दिए, अब ओल्ड एज में उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर दैट एज, क्योंकि तब सोर्स ऑफ लिविंग तो कुछ रहेगा नहीं, कई कंपनीज पेंशन अनाउंस करती हैं, कई ग्रेच्युटी देती हैं, अगर किसी को रिटायरमेंट के टाइम पे 10-15 लाख मिल जाता है ओल्ड एज में तो दैट इज एनफ, बाकी उसने अपनी सेविंग भी करी होगी जब वो जॉब के दौरान होगा, सो दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट विच द कंपनीज प्रोवाइड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज, right, so for that purpose also companies maintain the provision, which provision we call provision for gratuity, then provision for leave encashment, what is the meaning of leave encashment, har company apne har employee ko kuch gini chuni chuttiyan deti hai, like har company ka maximum yahi rule hota hai saal mein 20 chuttiyan lenge aur salary nahi katenge, theek hai, you can avail 20 leaves in a year and your salary will not being deducted, अगर किसी एम्प्लॉय ने सिर्फ 4 छुट्टियां ली हैं, उसके खाते की 16 छुट्टियां बाकी हैं, आमतौर पे ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होगा, और मान लो उसने 20 साल सर्विस करी है और हर साल सिर्फ वो 4 छुट्टियां ही लेता है, ही वाज सो रेगुलर एंड पंचुअल, 20 साल उसने सर्विस करी, हर साल की उसकी 16 छुट्टियां बची, आई एम अज्यूमिंग इट, तो 20 साल उसने सर्विस करी, 20 × 16 320 उसकी छुट्टियां हैं, 320 छुट्टियों को पर डे सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके उसे लीव एनकैशमेंट भी दी, that is again a benefit which we give to our punctual and regular employee who was not availing the full. company ko fayda hai na jo employees regular aa rahe hain company ka kaam nahi rukega kabhi bhi theek hai so this is a benefit or this is a source of motivation for others also agar iski chuttiyan in cash ho sakti hain to why not ours to bahut zyada zarurat pade bahut zyada emergency ho to hi chutti lo agar aap apni chuttiyan bachate hain to retirement pe un chuttiyon ke paise bhi milenge you are getting the point so for that also the companies are सारा पैसा इकट्ठा कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक साल थोड़ी ना निकालेगी
ठीक है, कंपनी कुछ ना कुछ जोड़ती रहेगी हर साल, कंपनी उसका प्रोविजन बनाती रहेगी, एंड दैट प्रोविजन वी कॉल लीव प्रोविजन फॉर लीव एंड कैश. सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी प्रोविजंस आई डिस्कस इन डिटेल विद यू. वन इज प्रोविजन फॉर वारंटी, कहीं पे मीनिंग नहीं लिखा बुक में. सेकेंड इज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, एंड द थर्ड इज वॉट प्रोविजन फॉर लीव एंड कैश में. These all three provisions are the examples of your long-term provision. If you find them in the question, you just add them in your debt. Getting it? Ab agla paragraph padho. High debt to equity ratio means enterprise is depending more on borrowings or external funds in comparison to shareholder funds. Agar debt aapke 30 lakh ke hain और इक्विटी आपकी 10 लाख की है, it means कि टोटल पैसा आपका 40 लाख लगा है कंपनी में, लेकिन उसमें से 30 लाख तो बाहर वाले लोगों का है, means आपके सिर के ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा. You should reduce it because the ideal ratio states it can't be more than 2:1. और जब कभी भी ये 2:1 से ज्यादा है, जितना ज्यादा सिर पे कर्जा बढ़ाते जाओगे उतना इंटरेस्ट भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में पे करने को. सो डोंट इंक्रीज द लेवल ऑफ योर डेट. Once it is being increasing or covering your standard rule of thumb, उस केस में कंपनी के लिए टेंशन क्रिएट हो जाती है कि हमें इसको मेंटेन करना है, हमें 2:1 से बढ़ने नहीं देना. सो हायर द रेशियो विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी. इन इफेक्ट यस, जितना ज्यादा ध्यान से लाइन का मीनिंग समझना, जितना ज्यादा इस रेशियो का आंसर आएगा, माय लेंडर्स दे विल बी एट रिस्क. लेंडर्स जिन्होंने मेरे को पैसा उधार पे दिया है, दे विल ऑलवेज बी एनालाइजिंग दिस रेशियो. मैं बैंक से लोन अप्लाई करने चाहती हूँ, कभी आपने पेरेंट्स को, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं या वैसे ही कभी लोन लिया हो बैंक से, तो बैंक वाले सबसे पहले, मान लो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, सबसे पहले वो मेरे से ये पूछेगा, पहले तो कोई लोन नहीं ना चल रहा. अगर मैं बोलूंगी नो, देन दे विल बी रेडी टू गिव मी द लोन. अगर ऑलरेडी मेरा कोई लोन चल रहा है तो उनको लगता है कि उस लोन की इंस्टॉलमेंट निकालेगा कि हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट निकाले. सिमिलरली द केसेस विद इट. तो जब कभी भी किसी लेंडर ने मेरे को बॉरोइंग देनी है, मैं उससे पैसा उधार मांगती हूं, दे विल बी रेफरिंग दिस रेशियो. इफ दिस रेशियो इज 2:1 और लेस देन 2:1, इट इज ओके फॉर देम. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज ऑलरेडी 5:1, दे विल नॉट रेडी टू गिव मी फर्दर लोन. ऑलरेडी 5 गुना ज्यादा है भाई मेरे कर्जे, मेरे सर के ऊपर इतने सारे कर्जे, 5 गुना ज्यादा कब होंगे, जब डेट 50 लाख होगा और इक्विटी 10 लाख होगा. You are getting me, and I am discussing the case of a public limited company. I am not telling you about a sole proprietor who always plays in hundreds and thousands. When I talk about a company's case, they always play in millions and billions. Crore, मैं तो लाखों की example ले रही हूँ, वो तो करोड़ों की बात करेगा, अरबों की बात करेगा. You are getting me? So in that case, you can't afford to give a loan to a company whose debt equity ratio is more than 2:1. तो ठीक line लिखी ना उसने? If this ratio is higher, then the lenders are at risk. That will be a risky venture for them. वो ऐसी कंपनी को कभी भी लोन देने को तैयार नहीं होंगे. आगे क्या लिखा? In effect, lenders are at high risk and have low safety cover. उनको सेफ्टी नहीं रहेगी, उनको लगेगा मेरे पैसे डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है. On the other hand, अगर ये रेशियो लो है तो लो डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग अपॉन मोर शेयर होल्डर्स then external equities. In effect, lenders are at lower risk and have higher safety cover. This question he can make in the form of assertion and reason. A high debt equity ratio is good for lender's point of view. Reason, they will have a high safety coverage. Agar ek low ratio hai, to hamare lender ke liye kya hai? Badhiya hai. Theek hai? Kyun badhiya hai? Kyunki unka safety coverage jyada hai. तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर assertion. सो फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ही कैन फ्रेम द लाइंस एंड ही कैन आस्क यू. वो तभी आप आंसर कर पाओगे अगर आपने थ्योरी को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है. क्या बोला मैंने कार्तिक, बोलो, assertion मैंने क्या बनाया, रीजन मैंने क्या बनाया, और यू फ्रेम योर ओन assertion एंड रीजन. टेल मी, हाँ, आप वो स्टेटमेंट बनाओ इससे रिलेटेड. अ हाई डेट इक्विटी रेशियो मीन्स lenders are at high risk. Correct hai? Assertion is correct. Reason banao. Because to what humne man mein sochna hota na, because nahi likha hota. A high debt equity ratio leads to low safety cover or leads to high lenders risk. Theek hai? So both are
Both are A and R, both are correct, and R is the explanation of correct explanation of A na. ठीक है ना, assertion को हम A कहते हैं और reason को हम लोग R कहते हैं. Will you agree with it? तो इसका opposite भी बना लो ना. Opposite क्या बनेगा? Tell me the opposite. A low debt equity ratio leads to low lenders risk. अब explanation बनाओ, reason बनाओ. अगर लो रेशियो है तो क्या है, रिस्क भी लो है हमारे लेंडर्स का. रीजन बनाओ. अ लो डेट इक्विटी रेशियो लीड्स टू हाई सेफ्टी कवरेज या सेफ्टी मार्जिन टू द लेंडर्स. अगेन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, अब इसको मैं घुमा फिरा के इनकरेक्ट भी बना सकती हूँ. ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ हाई रेशियो है बट रिस्क क्या है, लो है. सो दैट विल बी इनकरेक्ट. देन यू विल राइट एजर्शन इज रॉन्ग. आपको अगर करेक्ट लाइंस आती हो तो रॉन्ग वाला तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ना. घुमाने फिराने की बात ही होती है. यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स इन द पेपर, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली. ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस पढ़े ही नहीं. उसने ऊपर जो लिखा है वही ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. ओके, यू टेल हु विल बेसिकली बी इंटरेस्टेड इन दिस रेशियो. कौन ये कैलकुलेट करना चाहेगा और कब, कौन सी पार्टी, why this ratio is being calculated and by whom this ratio is being analyzed. कौन देखना चाहेगा ये रेशियो, किसके लिए मैं ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा? हाँ, नहीं, बैंक्स, लेंडर्स. बेसिकली माय लेंडर्स दे विल बी इंटरेस्टेड इन दिस रेशियो. वो बोलेंगे अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, पिछले दो सालों की बैलेंस शीट लेके आओ. दे देमसेल्फ विल कैलकुलेट इट. They will calculate debt equity ratio. If it is already high, they will say no, we can't give you the loan because already your debt equity position is very poor. You don't have a good solvency position. So they will always hesitate to provide you the more loan. Okay? So this is basically meant for lenders, right? Chalo ji dekho. The objective of debt to equity ratio is to measure the ratio in which external funds and shareholder funds are invested. ठीक है, किस रेशियो में हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फंड्स इन्वेस्ट किए गए हैं कंपनी में. This ratio assesses long-term financial position and soundness of long-term financial policies of the enterprise. It also indicates the extent to which the enterprise depends upon borrowed funds. So debt ka ek naam hai external equity, dusra naam hai long-term debt plus long-term provision, teesra naam kya hai borrowed funds. Theek hai, to aap kis level tak borrowed funds ke upar depend hai, that is also being calculated under this ratio, that is also being seen under this ratio. So fourth period again we will use for accountancy. We will complete this ratio.